नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की रितिका, 30 साल की उम्र इसकी, और वो काम करती थी फूड और फैशन पर वीडियो बनाना, साथ में टीचर की नौकरी भी करती थी और सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती थी। करीब 45,000 से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे। तमाम वीडियो में खुशी खुशी हंस कर फैशन और फूड ब्लॉगिंग करने वाली रितिका अचानक खामोश हो गई, और उसकी खामोशी के बाद शोर मच जाता है उसकी सोसाइटी में अचानक से, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस पे आगे भी कई वीडियो बनाई है। ये रितिका इतनी खूबसूरत लड़की क्यों खामोश हो गई, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब हम प्यार में किसी को पा नहीं पाते या पा करके उसे पचा नहीं पाते, तो हम कुछ ऐसे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं जो गैरकानूनी होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, जो हमारे पार्टनर को हमसे बहुत दूर ले जाते हैं, और फिर उसके बाद समाज में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। खैर, मैं फिर से आती हूँ रितिका के ऊपर। रितिका अचानक क्यों खामोश हो जाती है? 30 साल की खूबसूरत लड़की, एक सोसाइटी है ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट्स, जहां आगरा का ताज गंज एरिया, 24 जून, ये जो भी 24 तारीख गई है, सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास की बात है। उसकी सोसाइटी की चौथी बिल्डिंग से एक फ्लैट से एक लड़की नीचे गिरती है, चीखती हुई, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं ताकि वो बचाव ना कर सके। ऑब्वियसली असल में ये लड़की जो है, ये गिरती नहीं है, ये गिराई जाती है, और गिरने के कुछ देर बाद ही उसकी सांसें थम जाती है। सोसाइटी का गार्ड ये देख रहा था, यूँ समझिए कि वो गार्ड बहुत समझदार था, मैं तो यही मानूंगी कि वो गार्ड बहुत समझदार था। उसने फौरन सोसाइटी का गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, ताकि कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर न जा सके। और इसके बाद देखते ही देखते जो रितिका सोसाइटी की एक फ्लैट से गिर करके शांत हो गई थी, उसी सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है। लोग उस शोर की तरफ आते हैं जहाँ लड़की गिरी होती है। तब तक घनी दाढ़ी और भारी भरकम वजन वाला एक शख्स उस लड़की के हाथ पैर में बंधी हुई रस्सी को खोल रहा होता है। उस समय तक इधर गार्ड आगरा पुलिस को सूचना दे चुका होता है, और कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने आकाश, गौतम और दो और लड़कियों को हिरासत में लिया। फिर पता चलता है कि मरने वाली लड़की रितिका थी, और आरोपी लड़का आकाश उसका पति है, लेकिन वो उससे काफ़ी समय से अलग रह रही थी। आगरा की सोसाइटी में रितिका लिव इन अपने पार्टनर विपुल के साथ रह रही थी, और 2 से 3 महीने पहले ही उसने किराए पे ये फ्लैट लिया था। अब ये जो मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई है, ये आखिर किस वजह से हुई, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये किस्सा दर्दनाक भी है और दिलचस्प भी है, और सोसाइटी में लोगों को बहुत बड़ी सीख भी देता है। रितिका बेसिकली गाजियाबाद की रहने वाली थी, अब मैं ये कह सकती हूँ, और यहीं इसके माता पिता रहते हैं। पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते थे। बेटी शुरुआत से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, फिर इग्नू से साइंस से उसने ग्रेजुएशन किया। रितिका अपनी नानी के पास ही रहती थी टूंडला में, और उसका बचपन भी वहीं बीतता है, नानी के पास। वहाँ पड़ोस में आकाश रहता था, वो रितिका को जब देखता उस पर उसे बहुत प्यार आता, यूँ कहिए कि दीवाना हो गया था वो। आकाश एक तरफा आशिकी करने लगा, पर यह रितिका को पसंद नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ रही थी, वो बचपन की बात थी, लेकिन इस समय आते आते रितिका 21 साल की हो चुकी थी। वो साल था 2013 का, और उस समय ऐसा हुआ कि रितिका अपनी नानी के गांव आई हुई थी, और पड़ोस में रहने वाले आकाश पर एक ऐसा आशिकी का पागलपन चढ़ता है कि उसने रितिका पर पहले शादी करने का दबाव बनाया, उसने इनकार किया तो भी प्यार करने की कस्में खाई, लेकिन रितिका ने सीधे सीधे मना कर दिया। रितिका
को वो पसंद नहीं था। इसके बाद उसने दीपिका को अगवा कर लिया। हिम्मत देखिए, जब लड़की ने मना कर दिया तो उसने उसको अगवा कर लिया, करीब एक हफ्ते तक अपने साथ रखा। इधर जब रितिका के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रितिका भी बरामद हो गई, लेकिन जो रितिका कल तक आकाश को बुरा भला कहती थी, पसंद नहीं करती थी, आज वो बिल्कुल युता थी, अलग थी, जो उसका प्यार ठुकरा रही थी, आज वही उसकी दीवानगी को प्यार कह रही थी और परिवार से कह दिया कि वो शादी करेगी तो आकाश से ही करेगी। परिवार ने विरोध किया, ये सवाल किया कि वो कुछ करता नहीं है। तब आकाश ने ये दावा कर दिया कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है। फिर इसी दावे पे परिवार ने भी हामी भर दी। जैसा कि आम हिंदुस्तानी परिवारों में होता है कि जो दावा है कुछ काम करता हो तो थोड़ी सी सिंपैथी हो जाती है कि चलिए ठीक है, लड़की पसंद कर रही है तो यहाँ शादी कर दी जाए, यहाँ भी यही होता है। फिर अजीब दीवानगी शुरू हुई, ये कहानी लव मैरिज तक पहुंच गई, दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों गाजियाबाद में रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय में ये बहुत स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि आकाश की नौकरी रेलवे में नहीं है, उसने झूठा दावा किया था। अब 2014 में तकरीबन 2 साल तक वो साथ रहे और इस दौरान आकाश की असलियत सामने आ चुकी थी। काफ़ी परेशान करता था रितिका को, कई बार उसने रितिका को के साथ मारपीट की और रितिका ने ये कभी भी अपने परिवार जानों को बताया नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है उसके घर में, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, परिवार ने तो मना किया ही था। इसके बाद रितिका पति जो उसके आकाश थे उसके साथ आगरा चली जाती है। यहाँ आकाश लगातार पत्नी पे जुर्म करता रहता है और रितिका वहाँ काम कर रही थी, टीचर भी थी, ब्लॉगिंग भी कर रही थी और उसी की सैलरी से, उसी के पैसे से सारा घर चल रहा था। आगरा में आकर के चूंकि उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी और आकाश के जो भी वो काम कर रहा था उसको लेकर के रितिका को हमेशा शक रहता था कि वो कोई गलत काम कर रहा है, और साथ ही उसको ये भी लगता था कि रितिका के लिए भी उसकी नीयत ठीक नहीं है। इस कारण रितिका ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उसने फिरोजाबाद के एक स्कूल में नौकरी कर ली। और इसी बीच रितिका की मुलाकात होती है 2018 में विपुल से। इधर आकाश की नफरत से परेशान रितिका एक इमोशनल सहारा चाह रही थी और धीरे धीरे वो विपुल के काफ़ी नज़दीक चली गई। फिर ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हो गई और वो साथ रहने लगते हैं। अब रितिका पूरी तरह से आकाश से दूर रहने लगी थी और कानूनी रूप से वो फिर भी उसकी पत्नी थी। इस घटना को लेकर के जो जांच कर रहे हैं आगरा के ताजगंज के SHO, उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया कि रितिका ने अपने पति आकाश से कानूनी तौर पे अलग रहने के लिए अर्जी दी हुई थी और तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की थी। आरोपी जो आकाश है, आरोपी ही कहेंगे उसको, पूछताछ में ये भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से वो पता लगा रहा था कि रितिका कहाँ रह रही है। जब उसे विपुल और रितिका के रिश्तों के बारे में पता चला तो वो उसके पीछे उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी तक की पूछताछ में उसने ये बताया कि कोर्ट में आकाश ये सबूत देना चाहता था कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है, अगर उसका वीडियो बना करके वो कोर्ट में पेश करता तो शायद जो उसने मुआवजे की रकम मांगी है उससे वो उसे देनी नहीं पड़ेगी 50 लाख की रकम, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से पहले ही पति को छोड़ चुकी है किसी और के लिए, ये वो साबित करना चाह रहा था। अब कोर्ट में किसी तरह कोई पेश ना फंसे, वीडियो बनाने के लिए उसने किसी तरह का दबाव या जबरदस्ती की तो इससे बात खराब हो जाती, इसलिए उसने 2 लड़कियों को हायर किया और एक अपने साथी को लिया और फिर उसने रितिका और विपुल के फ्लैट की ओर निकल गया उसकी सोसाइटी में। आकाश ने इन दोनों लड़कियों को जो अपने साथ लेके गया, जिन्हें उनको थोड़े से पैसे दिए और नौकरी का लालच भी दिया, और इसके अलावा एक युवक को भी ले गया था साथ में। आकाश साथ में एक बैग भी लेके गया था, इस बैग में पहले से ही कुछ रस्सियाँ थी, देखिए वो माइंड मेकअप करके गया था
कि उसे क्या क्या करना है, उसे देख भी की हुई थी किस तरीके से उसको जाना है, और रस्सी इसलिए वो बांधना चाहता था ताकि वो दोनों को बांध दे, मतलब विपुल को भी और कृतिका को भी। विपुल को बांध के उसने अलग करना था और इसको अलग से रस्सी बांध के इसका कुछ और इंतजाम करना था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पक्ष है इस स्टोरी का। 24 जून की सुबह सोसाइटी में रितिका के फ्लैट में जाने से पहले उसने जब अपनी एंट्री दिखाई तो उसने कहा कि उसे 601 नंबर के फ्लैट में जाना है, जबकि उसे पता था कि रितिका 404 नंबर के फ्लैट में रहती है। जानबूझ के आकाश ने एंट्री करवाने के लिए गलत फ्लैट का नंबर बताया। इसके बाद दो लड़कियों के साथ वो चार लोग थे सोसाइटी में घुसते हैं और छठी मंजिल पर जाने की बजाय चौथी मंजिल पर ही वो उतर गए। इसके बाद दोनों लड़कियों ने फ्लैट का गेट इसलिए खुलवाया ताकि आकाश को अगर वो देख लेते तो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब दोनों लड़कियों को सामने देख करके विपुल ने दरवाज़ा खोला तो तुरंत आकाश अंदर घुस गया। इसके बाद रितिका और विपुल के बीच कहासुनी हुई। अब लड़ाई में दोनों महिलाएं रितिका को काबू कर लेती हैं, जबकि आकाश और उसका साथी इस दौरान विपुल के हाथ पैर बांध के उसको बाथरूम में बंद कर देता है। इससे पहले विपुल और उस आकाश और उसके दोस्त की काफ़ी लड़ाई भी होती है और विपुल को वो पीटने लग जाते हैं। विपुल को मार पीट करके उसे बंद कर देते हैं बाथरूम में। उसके बाद वो रितिका की तरफ आते हैं और रितिका की पिटाई करते हैं। इसके बाद चारों मिल करके रितिका के हाथ पैर बांधते हैं, फिर उसे पकड़ करके बालकनी तक ले जाते हैं और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि रितिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। इधर नीचे अपार्टमेंट के गेट पर एक गार्ड की ड्यूटी थी, मुन्ना नाम बताया जा रहा है उसका। मुन्ना को अचानक से किसी चीज़ के धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है। खतरा भागते हुए मुन्ना ने अपार्टमेंट का मेन गेट फौरन बंद कर दिया और गिरने की तेज़ आवाज़ सुन करके वो उसी तरफ भागता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है चारों लोगों पर जो नीचे पड़ी रितिका की लाश के हाथ पैर की रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहे थे। लाश देख करके लोग पूरा माजरा समझ जाते हैं और चौथी मंजिल से विपुल अब मदद के लिए लगातार चीख रहा था। उसकी चीख भी लोगों को सुनाई दे रही थी। इसी के बाद अपार्टमेंट के लोग गार्ड की मदद से भागते हुए उस अपार्टमेंट की ओर जाते हैं और विपुल को बाहर निकालते हैं। पुलिस को पहले ही चूंकि मुन्ना ने जो गार्ड है उसने फोन कर दिया था, और उसके बाद जो ये रितिका है इसकी शिनाख्त होती है। ये फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली ब्लॉगर रितिका है और पुलिस की टीम अपार्टमेंट के और लोगों से भी बातचीत करती है और जब अंदर जाते हैं तो वहाँ उनको विपुल भी बंधा हुआ मिलता है। पुलिस के पास रितिका की बॉडी और उसके अलावा चारों आरोपी थे, यानी कि जो घटना हुई थी वो और जो घटना करने वाले थे वो सब लोग उनके सामने थे, यानी कि साजिश और कहानी का हर सिरा हर किरदार बहुत आसानी से पुलिस के हाथ लग चुका था। और इसमें मैं कहूँगी कि गार्ड की बहुत होशियारी है, उसी की वजह से इतना हो पाया, अदरवाइज वो भाग भी सकते थे। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी बातें हो गई, पुलिस को पूरी कहानी भी समझ ली थी। इस पूरे केस और कहानी में रितिका के दोस्त विपुल की भी कोई भूमिका हो सकती है। इस एंगल से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि एक और बात है जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। विपुल शादीशुदा है, उसकी वाइफ एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, और 10 साल का उसका बेटा भी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो रितिका के साथ ही रह रहा था। तो दोस्तों, ये एक कहानी है जिसका दुखद अंत हुआ। एक हंसती खेलती खूबसूरत 30 साल की लड़की जो है शांत हो गई। और इधर देखिए विपुल, विपुल शादीशुदा होते हुए भी किस तरीके से वो अट्रैक्ट हो जाता है रितिका के प्रति। और मैं ये कहूँगी कि किसी के प्रति अट्रैक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उस औरत के बारे में भी सोचे जिसके साथ उसने शादी की है।
जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं, उसका एक बेटा भी है। तो बहुत सारी बातें हैं इस कहानी में जिनके अभी पत्ते खुलनी है। फिलहाल तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि पुलिस के सामने पूरी कहानी भी और किरदार भी हैं, लेकिन विपुल के बारे में भी अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। विपुल और भी बहुत सारी बातें बता सकता है कि इसमें और क्या पेच है। फिलहाल इतना ही। और हाँ, एक बात आपसे मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आकाश को अपनी पत्नी में तो बुराई लग रही थी तो आराम से उसको छोड़ देता, 50 लाख रुपए क्या थे उसको ना देता अगर उसने डिमांड करी थी। जिस समय तलाक फाइल होता है तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ अमाउंट ज़रूर वकील दर्ज करवा देते हैं। और ये जो अमाउंट था तलाक के समय जो उसने 50 लाख भर दिए, और दूसरा जो शक था उसे इस अपनी पत्नी पे, उसने ही जान ली ना आखिर। ना तो शक की वजह होती कोई, ना तो अगर वो डिमांड करती तो शायद आज ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब उनकी आपस में बन ही नहीं रही थी तो तलाक भी जरूरी था, लेकिन तलाक में जो रकम भरी गई थी उस रकम ने एक हस्ती खेलती ब्लॉगर को शांत कर दिया। आप क्या कहते हैं दोस्तों? आप मेरे वीडियो पे अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और इस पे अपने आप दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं से समाज में एक मैसेज जाता है कि ऐसी घटनाओं में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे संबंधों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसी आशिकी भी ना की जाए कि लड़की को पसंद ना हो और लड़का जबरन उससे शादी करना चाहे। खैर, जब शादी हुई थी रितिका की तो रितिका की मर्जी से ही हुई थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि रितिका को उससे ही शादी करनी पड़ गई? और बाद में फिर ऐसा क्या हुआ कि रितिका से झगड़े शुरू हो गए? अभी इन सवालों के डिटेल जवाब आने बाकी हैं, मैं आपसे फिर साझा करूंगी उसके बारे में। आप अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।